मैं नीलेश शाह ओपेरा हाउस मुंबई में रिटेल ज्वेलर्स का शोरूम में रखता हूँ। पिछले 20 साल से मैं वहाँ बिजनेस करता हूँ। ओपेरा हाउस में मेरा ज्वेलर्स का रिटेल शोरूम है। सर 2020 यूनियन बजट आने वाला है और हमने देखा पिछले साल से जेमसन ज्वेलरी हो या गोल्ड हो, बहुत ही उतार चढ़ाव देखे मार्केट को। बरोबर। और अभी क्या लगता है आपको कि इस मार्केट को ग्रोथ होने के लिए क्या किस तरह की पॉलिसी मार्केट चाहती है? देखिए, पिछले सालों में जिस तरह से ड्यूटी बढ़ाई गई 10% से लेके 12.5% हो गई, 3% GST लगा है, तो 15% तो ऐसे ही लग गया। इसके कारण मार्केट में रिटेल में थोड़ा फर्क दिखने लगा है। सोना इतना महंगा होता गया है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। हिंदुस्तान में छोटे से छोटा आदमी, जो आम आदमी है, वो भी सोचता है, उसका भी ख्वाब रहता है कि कभी मेरे पास भी कोई सोना हो। मगर भाव ऐसे इतने बढ़ते गए, बैंक रेट भी बढ़ता गया, इसके हिसाब से आम आदमी सोने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट तो है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सोचते हैं लड़की का शादी है, बेटी का शादी है, तो कुछ गहना होना जरूरी है। मगर जो लोग 100 ग्राम देते थे वो 70 ग्राम पे आ गए हैं। आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मैं तो यही चाहता हूं, अगर ड्यूटी और GST सरकार कम कर दे तो ग्रोथ इंडस्ट्री का ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट को भी आवक इंटरेस्ट से ज़्यादा होगी। ये सबसे बड़ी डिमांड होगी मार्केट, डिमांड बढ़ेगी। गोल्ड में लोगों का इंटरेस्ट था, वो वापस बढ़ेगा। और दिन ब दिन देखते रहे, सालों साल गोल्ड का रेट बढ़ता है। आम आदमी यही सोचता है कि सोने का भाव बढ़ता है, सोना अपने पास सेफ भी रहता है, तो सोने में डिमांड भी बढ़ेगी, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, ये मेरा मानना है। मैं कोठारी गोल्ड से भरत जी कोठारी बोल रहा हूँ। आज हमारे गोल्ड मार्केट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। आज हमारा हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हब है वो झावेरी बाजार है। पूरा आज हिंदुस्तान का बोलो या पूरा दुनिया का भी बोलो, सबसे बड़ा हब हमारा इंडस्ट्री स्टेट या कुछ भी ज्वेलरी का जो ऑल्सो आज झावेरी बाजार, जो आज सोने की जो कस्टम ड्यूटी है जो हमारी 10% थी, 10% से बढ़ा के 12.5% प्लस GST 3%, 15% जो किया है सीतारमन जी ने, जो अगर वो अगर कम करे, हम अपेक्षा रख रहे हैं उनसे कि अगर वो ड्यूटी घटा के अगर कम से कम 6-8% कर दे तो सोने की ग्रोथ, जो हमारे रोजगार है, जो हमारे बंगाली भाई है, कारागिर है, जो हमारे सोनी है, जो हमारे इतने जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो हम उनको रोजगारी मिलेगी और ग्रोथ होगा और राज्य स्तर उनको बहुत बढ़त मिलेगी, और जो अभी ग्रोथ हो रही है उससे डबल मिलेगी, जो हमारा GDP है वो भी बढ़ जाएगा। ये मैं सीतारमन जी से अपेक्षा करता हूँ कि ड्यूटी इस बार तो घटाए ताकि स्मगलिंग भी ना होए और गोल्ड मिडिल क्लास के गोल्ड जो परिवार है वो पूरा खरीद सकते हैं, वो भी आज 2-5 ग्राम की है ना अपेक्षा रख सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र शाह है, मेरी फर्म का नाम डायमंड, मेरा भारत डायमंड बूट्स में ऑफिस है। और 2 साल मैंने बीच में जब सिंथेटिक डायमंड का बढ़ गया था तब भारत डायमंड बूट्स में लीगल कमेटी में काम किया था। सबसे पहले तो गोल्ड और डायमंड मार्केट में देर शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट रेगुलेशन जितने बढ़ गए हैं, GST और टैक्सेशन के कारण और पेपर वर्क इतना बढ़ गया है, वो खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री और हम सब जानते ही है। जो कम होना था वो पेपर वर्क सब बहुत बढ़ गया है। और अपने उधर एजुकेशन लेवल जितने अकाउंट्स में नहीं है, अपन कुदरती व्यापारी है, तो ये सब में इतना सब पेपर वर्क कर देंगे तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो कारीगर जिससे हम काम लेते हैं, बहुत कम एजुकेशन वाले हैं, वो ये साइन करना और ये सब नहीं जानता, उनके लिए तो ज़मीन का कागज़ पे साइन करना और हमारी रिसिप्ट पे साइन करना, इंग्लिश में सब प्रिंटेड होता है, वो सब एक होता है, तो उसके कारण बहुत दिक्कत होती है ट्रेडिंग में उनके साथ। क्या चाहते हैं इसमें? कि ये सब रेगुलेशन थोड़े कम हो जाए और कुछ जो GST लेवल से जो 20 लाख के करके रखे हैं वो 50 लाख की वैसे कुछ करे,
तो उतना टर्नओवर होगा तो उसमें आदमी कमाएगा क्या? 50 लाख का टर्नओवर में भी आदमी कमा के कारीगर कमाएगा क्या? हार्डली विल मेक इवन 3-4 लाख रुपीज अ ईयर। तो फिर वैसे लिमिट्स बढ़ानी चाहिए। ये इतनी कम लिमिट में कम लिमिट रखा है जीएसटी, उसके कारण ट्रेड को बहुत हैम्पर होता है, एम्प्लॉयमेंट को हैम्पर होता है और इट इज़ वेरी आर्टिफिशियली लो सेट। उससे बेटर है कि लिमिट अच्छा करो तो उद्योग को जब काम मिलेगा तो वो दैट इटसेल्फ विल हेल्प द गवर्नमेंट, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट विल गो अप। द गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट इन द डायमंड इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत किया है कि सिंथेटिक डायमंड्स डिटेक्शन के लिए मशीन्स बहुत इंपोर्ट करने की छूट दी। आज ये हालत है कि सिंथेटिक डायमंड्स इजीली डिटेक्टेबल है, बहुत जगह पे डिटेक्शन होता है। गोल्ड का होल्ड मार्किंग के लिए बहुत अच्छी बात की है मेरे मोस्टली रामविलास पासवान जी ने, बताया है कि होल्ड मार्किंग होगा अभी सब, लेकिन एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली मशीनरी होनी चाहिए हर एक चीज़ में। और गोल्ड का रेट आर्टिफिशियली हाई है। मेरा नाम कुमार जैन है, मैं श्री मुंबई देवी दागिना श्री मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद कार्यरत हूँ व यहाँ की जानी मानी संस्था इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुंबई के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। ज्वेलरी बाजार सर कितना मोड़ मांगे बजट में, ये बताइए आप सर। ज्वेलरी बाजार 2020 के बजट में कई प्रावधान हमने रखे हैं, नीति आयोग के द्वारा माध्यम से हमने प्रावधान रखे हैं कि भी सरकार को इस तरह से करना है। सर्वप्रथम हमने इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की है जो सरकार ने गत 2019 के बजट में बढ़ा दी थी करीबन 2.5%, वो कम करके हमने और 2.5% यानी करीबन 6-7% इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार की जाए, कहीं ना कहीं जाके लग्जरी आइटम होने की वजह से जीएसटी में भी थोड़ी कुछ कमी की जाए क्योंकि उससे अमाउंट उसका बहुत बड़ा हो जाता है। और सरकार को लास्ट 2 टेन्योर के जो जीएसटी का कलेक्शन आया एक अच्छा कलेक्शन देखा है। हम आपको एक जस्ट अंदाज में आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ इन दिस एरिया जो सी वार्ड एरिया या ज्वेलरी एरिया उससे कम से कम 32% जो टोटल टैक्स रेवेन्यू सरकार को मिलता है उसका 32% रेवेन्यू यहाँ से मिलता है, तो सरकार को थोड़ा इसके बारे में जरूर सोचना होगा। और दूसरा कई प्रपोजल हमने इस बार रखे कि हम एक स्पॉट एक्सचेंज बनाया जाए और एक गोल्ड बैंक बनाई जाए। और इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान में ऐसा माना गया कि 1000 टन सोना हमारी महिलाओं के पास पड़ा हुआ है, तो अगर गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनता है और तो कहीं ना कहीं जाके मार्केट से ये सोना बाहर निकलेगा और लोग डिपॉजिट करेंगे और उसका इंटरेस्ट मिलेगा, या उस सोने से जिस तरह शेयर मार्केट से लोग ले बेच करते रहते हैं इस तरह से ले बेच होगी और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगी। और हो सकता है कि इसकी वजह से इम्पोर्ट जो है, अगर एक सोना इस 25,000 टन से अवेलेबल होता है, साल का 200-250 टन भी अगर अवेलेबल हो जावे, तो कहीं ना कहीं जाके जो हम लोग 800-850 टन इम्पोर्ट करते हैं उसमें से 200 टन कम होके 600 टन हो जाएगा, उससे करंट अकाउंट डेफिशिएट का भी फायदा सरकार को होगा।